नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से वागीश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया लाखों रुपए की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का कहना है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु सरकार कटिबद्ध है। सुल्तानपुर 20 नवम्बर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में एक साथ लाखों रुपए की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा लाखों रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया तथा कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु कटिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें से विधानसभा गादीपुर के अंतर्गत 5 परियोजनाएं, हिंदुआबाद की 3 से मुरझरा संपर्क मार्ग, इसी प्रकार अलीपुर हाजीपुर मार्ग से कटे या हलियापुर बेलवाई मार्ग से हरिजन बस्ती अंदरायपुर संपर्क मार्ग से पंडितपुरवा आदि सड़क से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसोला के अंतर्गत 7 परियोजनाओं में पूरे लक्ष्मी नारायण खावपुर लादी कापुरवा बड़ा पतुसरा अक्षरपुर तुलसीपुर आदि भीकमपुर संपर्क मार्ग, विधानसभा लंबुआ के अंतर्गत 2 परियोजनाओं में केशवपुर संपर्क मार्ग तथा कोथरा राजा रुमरी तातो मुरली हाजीगंज मार्ग का चौड़ीकरण तथा विकास खंड कादीपुर के अंतर्गत कादीपुर धुपाट घाट लंबुआ मार्ग के गोमती नदी पर सेतु का निर्माण इत्यादि परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस प्रकार से शिलान्यास शिलापटों का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया।